पे जो है ना बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन जाती हैं तो बड़ा वो इनसिक्योर फील करती हैं। BRT में कैसे देख रही हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इजी है ट्रैवल करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू लोकल ट्रैवल जी। अच्छा। वो आवाज़ें कसते हैं या वो बाकी जो आप वही कैट कॉलिंग और उस सब से मतलब काफ़ी बंदा सेफ रहता है इसमें। कोई आपके दोस्त या कोई ऐसे खातून जो आप BRT में सफ़र करते हैं कभी उनके साथ ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया जी। किराया जो है ना ये कहा जाता है कि ज़्यादा है शायद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। लोकल के हिसाब से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंसेशन नहीं होना चाहिए? आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए तो मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फिजिबल है और इजी है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू लोकल, क्योंकि वो उसमें हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है कम डिस्टेंस में। ये भी आपके नोटिस में होगा कि इस मंसूबे पे 70 अरब रुपए से ज़्यादा की लागत आई है, तो जाहिर है ये पब्लिक मनी है सारा जो है ना, हमारा टैक्स मनी है, तो इसका बोझ जो है वो नीचे आम लोगों तक भी महसूस होता है जब ये महंगाई आती है। ये सारे हमारा एक जो है गरीब सूबा है, अब समझते नहीं है कि इससे जो है ना कुछ वो मतलब महंगाई आ सकती है, आम आवाम पे बोझ आ सकता है जी। बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मतलब इजी कर दिया है ना, कि अगर हम लोकल ट्रैवल करते हैं तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि मैं दिन में 3 बार ट्रैवल करती हूँ BRT पे, तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मतलब एज़ कम्पेयर टू लोकल ट्रैवल।